दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के एक और विधायक अब विवादों में है। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान पर एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ जाफराबाद थाने में तहरीर दी थी, जिस पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ जाफराबाद थाने में रविवार की रात FIR दर्ज की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक अब्दुल ने उनके साथ छेड़छाड़ और विरोध करने पर मारपीट भी की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी विधायक अब्दुल रहमान रविवार को जाफराबाद इलाके में नगर निगम के उपचुनाव के दौरान मौजूद थे, तभी उनकी एक महिला के साथ कोई बहस हुई थी। उसी महिला ने पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल दिल्ली पुलिस महिला के आरोपों की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, अब्दुल रहमान दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। नगर निगम चुनाव 2017 में चौहान बांगर से वे आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुने गए थे। पार्टी ने उनको विधानसभा की टिकट देकर मैदान में उतारा था, उसके बाद से यह सीट खाली हो गई थी। ऐसे में उपचुनाव की वोटिंग के दौरान अब्दुल बेहद सक्रिय नजर आ रहे थे। उसी दौरान उनकी एक महिला से बहस हो गई, जिसके बाद ये मामला और बढ़ा और बात दिल्ली पुलिस तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।